सो हेलो गाइस, आज हम देने वाले हैं जवान के टीजर का अपना रिएक्शन और रिव्यू। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उस चीज का, और हमें लगा बहुत हमें भी अपना रिएक्शन देना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक देखा नहीं है, तो पहली बार देखेंगे, रिएक्शन देंगे, रिव्यू बताएंगे। बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड। लाओ इधर लाओ, सब जगह दिखेगा। चलो 3, 2, 1। अरे ये तो अड़ से बाहर। ओ भाई, बीजीएम तड़की लग रही है। बढ़िया लग रहा है, लुक वैसा लग रहा है यार ये तो। ओ भाई, सिनेमैटिक शाहरुख खान, द किंग इज बैक। यार ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई एजेंट टाइप का है ना, कोई खुफिया खुफिया सीक्रेट एजेंट होता है स्पाई। ये लुक देखो, लुक एक्साइटेड फॉर दिस। हाँ एजेंट है कोई 100%। रेडी भाई, लग रहा है 2023 खान के नाम से होगा वो सारा सारा। एक्शन भरपूर लग रहा है इसके अंदर। यार तीन पिक्चर आ रही है शाहरुख खान की यार। अरे बहुत बढ़िया, ये लुक भी तगड़ा, ऐसी लुक है, लुक भी तगड़ा। अनेटली फिल्म इन सिनेमा 2 जून 2023। अरे यार अपना बताओ, एक एक करके फटाफट बताओ वही पहले। यार ये जो मूवी है ये अब तक की मेरे ख्याल से बेस्ट मूवी होगी शाहरुख खान की, और जहाँ ये इस टाइम बैठे हुए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा काइंड करे हैं या फिर अब करेंगे ये काइंड। जो भी है फिलहाल वो तो मूवी में 2 जून 3 जून को हमें पता चलेगा। 2 जून है, 2 जून को पता अगले साल को। चलो तुम बताओ। और बोलना चाहे बोले, इसके सिनेमेटिक शॉट बहुत अच्छे हैं, बीजीएम सही है, और लुक तो भाई बहुत बड़े लग रहा है। बीजीएम बॉलीवुड में बहुत कम अच्छे होते हैं, मगर अच्छा था इसका अच्छा था। खान तो यार मतलब 2023 शाहरुख खान के नाम ही होगा क्योंकि भाई इस बार तो 3 पिक्चरें आ रही हैं अगले साल और रोला कट जाएगा सही वाला। जैसे बॉलीवुड का भी नाम डूबा है ना, तो ये शायद उठा दे। ये जिस टॉलीवुड बहुत टक्कर दे रहा है बॉलीवुड को, तो बढ़िया 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 भाई। बात की है तो ये डायरेक्ट की है वो, बीवीएस रवि ने करी है। अच्छा, वो टॉलीवुड का ही डायरेक्टर है। अच्छा अच्छा, तो यार फिर तो बॉलीवुड मतलब कॉम्बिनेशन तगड़ा है, कॉम्बिनेशन बढ़िया है, कॉम्बिनेशन तगड़ा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो चलो एक्साइटेड है बहुत ज्यादा इसके लिए, बहुत बढ़िया। और तुम बताओ कमेंट करके तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड, तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, जो वो था सीन मेट्रो में, जो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी का वेट कर रहा है या फिर कोई कांड होने वाला है वहाँ पे। हाँ तो वो तो अब असम्पशन मत लगाओ, ठीक है, 5 लैंग्वेज में रिलीज होगी। हाँ तो पैन इंडिया मूवी है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तुम कमेंट करके बताओ तुम्हें कैसा लगा, लाइक करो वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करो, बताओ किसका रिव्यू रिएक्शन चाहिए तुमको। और बाकी पृथ्वीराज का तो बोलना चाहे क्या बोले, वो तो इनकी साथ झूठी झूठी हिस्ट्री दिखाता रहता है वो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे इंसान। छोड़ो हम उस टॉपिक पे नहीं जाते, उस टॉपिक पे जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मेरा भाई वैसे भड़का हुआ इस टाइम, 2-3 लाइन तो बोली तो उस टॉपिक पे, फिर भी यार पृथ्वीराज पे हाँ, कोई सेपरेट वीडियो थोड़ी बनाएंगे उस पे, इसमें बोल दे जनता तो कुछ और क्या। पृथ्वीराज के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्षय कुमार की एक्टिंग बिल्कुल बेकार है, बकवास है, क्योंकि मूवी जो है उनकी वो हम हिस्ट्री 2.5 घंटे में बता नहीं सकते। सम्राट पृथ्वीराज की देखो, और मोहम्मद गौरी की हम 2.5 घंटे में मूवी, और दूसरी चीज इनकी हिस्ट्री चेंज हो जाती है हर बार की, इनकी हिस्ट्री चेंज हो जाती है। अक्षय कुमार का टोटली लुक बाजीराव से कॉपी किया गया है, और मुझे लगता है अक्षय कुमार का टोटल लुक वो है बाला बाला बाला, 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 बाला तो कॉपी है फिलहाल, एक्टिंग वही है अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार की एक्टिंग में बताऊं क्यों खराब है, वो ज्यादा फिल्में करता है ना इसलिए वही उसका कैरेक्टर अक्षय कुमार का, वो अदर कैरेक्टर में नहीं आ पाता, कैरेक्टर में आता नहीं है वो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, यही बात है, यही बात वो हर फिल्म में एक सा रहता। इतनी मूवीज करी है उसने लेकिन इस मूवी में बिल्कुल बेकार, और हिस्ट्री में दिखाया है कि पृथ्वीराज ने गौरी को कैद नहीं किया, ठीक है, इसमें दिखाया कि कैद भी कर दिया, मतलब चेंज ही कर देते हैं हर बार की हिस्ट्री, चेंज कर देते हैं, कुछ भी दिखाया। अरे मारो साला, संजय दत्त की एक्टिंग अच्छी। चलो ठीक है, ज्यादा बोर मत करो ऑडियंस को, कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।